चल रहे पवित्र चैत्र माह की आज अष्टमी के उपलक्ष्य में शहर के तमाम माई मंदिरों में सुबह से ही माई भक्तों की भारी भीड़ का नजारा देखने को मिला था, जहां शहर के मांडवी स्थित आए हुए अम्बे माता दी मंदिर पर भी आज सुबह से श्रद्धालु भक्तों द्वारा माता दी के विशेष श्रृंगार और आज के महिमा के उपलक्ष्य में माता दी के दर्शन कर धन्यता प्राप्त की थी। चल रहे पवित्र चैत्र माह की अष्टमी यानी कि चैत्र माह के नवरात्रि अंतर्गत शहर के माई मंदिरों में आज विशेष पूजा अर्चना तथा होम हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चैत्र माह की अष्टमी यानी कि नवरात्रि का काफी विशेष महिमा रहा है। ये नवरात्रि को अनुष्ठान के साथ होम हवन के बीच मनाने का एक अनोखा महिमा और पारंपरिक मान्यता को मनाते हुए आज सुबह से ही चैत्र माह की अष्टमी को मनाते हुए मंदिरों में विशेष पूजन हवन तथा धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर के ऐतिहासिक मांडवी स्थित आए हुए अम्बे माता दी की मंदिर पर भी आज सुबह से ही यहां पर अष्टमी पर्व को मनाते हुए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। घड़ियालीपुर स्थित आए हुए अम्बे माता दी मंदिर पर ये मंदिर का काफी विशेष महिमा रहा है। पौराणिक माने जाते वैसे ये मंदिर पर हर एक मनोकामना पूर्ण होते हुए यहाँ पर नवरात्रि के अलावा रविवार पर भी माई भक्तों की भीड़ का नजारा देखने को मिलता है। यहाँ पर साल में सिर्फ दो बार अम्बे माता दी को दिव्य चक्षु के दर्शन किए जाते हैं। ये दर्शन माई भक्तों के लिए काफी शुभ और उनके लिए हर मनोकामना पूर्ण होने के माने जाते हैं। आज यहाँ पर सुबह से ही नवरात्रि अष्टमी पर्व को मनाते हुए माई भक्तों की भारी भीड़ का नजारा देखने को मिला था। तो वहीं मंदिर प्रशासन द्वारा भक्तों की भीड़ को निपटाने के लिए और हर एक भक्त को दर्शन के लाभ मिल पा सके वैसे आयोजन के बीच व्यवस्था बनाई गई थी। अम्बे माता मंदिर पर जल्द सुबह से ही लोग पैदल खुले पैर या तो फिर दूर दूर दर्शन के लिए यहां पर आते हैं, जहां आज विशेष दिन पर दर्शन करने के साथ माई भक्तों ने धन्यता प्राप्त की थी। ठीक वैसे ही शहर के मांडवी चार दरवाजा के नीचे आए हुए वैसे पौराणिक मेलडी माता मंदिर पर भी आज अष्टमी पर्व को मनाते हुए हवन तथा श्रीफल होम कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मेलडी माता मंदिर भी स्थानिक लोगों के लिए एक श्रद्धापूर्ण स्थान माना जाता है। मेलडी माता के मंदिर पर कोई भी मान्यता को रखते हुए मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे में आज चल रहे नवरात्रि और उसमें भी अष्टमी पर्व को मनाते हुए यहाँ पर भी माई भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली थी। જી આજે ચૈત્રી સુદ આઠમ છે, શું કહેવા માગશો? કયું મંદિર છે ને આજે શું કાર્યક્રમ રાખવાનો? વડોદરા શહેર માળવી મેરડી માતાનું મંદિર છે, માતાજીની આજે આઠમ છે, એના માટે અમે સુખડીનું વિતરણ કર્યું છે, હવન કર્યું છે માતાજીનું, અને માઈ ભક્તો બધા દર્શને આવે છે, હજારો પબ્લિક આવે છે અને માતાજીને દર્શન કરીને લોકો માતાજીના આશીર્વાદ મનમાં લે છે, અને અમે એવું વિનંતી કરીએ છીએ કે મેરડી માતા બધાને સુખી રાખે, આ વર્ષ સારું આવે અને બધું કાયમ માટે અમને આદિવાદી ઉપાધિ દૂર કરે એવી અમે મેરડી માતાને પ્રાર્થના કરીએ છીએ। ખાસ કરીને કોરોના મહામારીને કારણે બે વર્ષથી ચૈત્રી નવરાત્રિ એ બધા પ્રસંગો બંધ રહ્યા હતા, બંધ રહ્યા, આ વર્ષે બધા કાર્યક્રમો શરૂ છે, ત્યારે આજે ખાસ કરીને શું કાર્યક્રમ આયોજિત કરવામાં આવે? અમે મેરડી માતાની આઠમના નિમિત્તે જે અમે વર્ષોથી જે માતાજીનું હવન કરીએ છીએ, સુખડીનું ચોખ્ખાજીની સુખડી બનાવીએ છીએ, એ બધા માઈ ભક્તોને પ્રસાદી આપીએ છીએ, એવું અમે આયોજન કરવામાં આવેલું છે। શ્રીફળ ઉમવાનો કાર્યક્રમ, શ્રીફળ ઉમવાનો કાર્યક્રમ બી અમારો પૂરો થઈ ગયો છે, અમે સવારે 10-11 વાગ્યાનો કાર્ય પૂરો કર્યો અને માતાજી બધાના હવનને દર્શન કરે છે, એવું અમે વહેલી સવારથી ભક્તો દર્શન કરી રહ્યા છે, શું વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે? અહીંયા આગળ બધી વ્યવસ્થા અમે દર્શન કરીને માઈ ભક્તોને અમે વિનંતી એવું કરીએ કે દર્શન કરીને અહીંયાથી દૂર થઈ જવું, એવું અમે વિનંતી કરીએ છીએ કે બહુ ભાળ ભીડ કરવી નહીં। આપનો પરિચય? શમશીભાઈ રબારી, ભુવાજી માળી।